असली और नकली का भी फैसला हो जाएगा इन चुनावों में, असल उत्तराधिकारी कौन है बाल ठाकरे की विरासत का, यह एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी चुनौती है आपके लिए। संदीप जी, कोई चुनौती हमारे महायुति सरकार के सामने नहीं है। जो आपने कहा असली और नकली की बात, तो ये तो जनता तय करेगी। और दूसरी बात, अगर आप ये पूछ रहे मुझे कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे के अगर जो खून के जो रिश्तेदार होते हैं वो कौन है, तो नक्की ये आदरणीय उद्धव ठाकरे जी हैं और आदित्य ठाकरे जी है। लेकिन आज बाला साहब ने अपना खून पसीना बहाकर, अपना खून सींचकर, पसीना सींचकर जो शिवसेना खड़ी की थी, वो शिवसेना गांव-गांव से आए हुए शिवसैनिकों की थी। और ये सारे शिवसैनिक, सारे आमदार, सारे खासदार, सारे जिला प्रमुख और सारे गट प्रमुख आज पूरे के पूरे उबाटा को छोड़कर ये आदरणीय काफी कुछ तय हो जाएगा 4 जून को। उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव हैं, तो सीटों का बंटवारा तो हो गया चरण सिंह सापरा आखिरकार। लेकिन आप ही के पुराने नेता, आपके सहयोगी रहे संजय निरुपम, कह रहे हैं कि कांग्रेस तो 0 पर आउट होगी, मुंह छिपाते फिरेंगे आप 4 जून के बाद, बीक में दे दी गई है सीट। देखिए संदीप जी, संजय निरुपम जी क्यों कह रहे हैं ये आप भी जानते हैं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में वो मिसगाइडेड मिसाइल है, इसलिए बहुत ज्यादा उत्तर में देना उसमें उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि मिसगाइडेड मिसाइल कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। और जब ये व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाए तो इसी तरह के दिन जो है वो देखने पड़ते हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कि कितनी सीटें जो है वो महायुति डिक्लेयर कर पाई और कितनी पे सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, तो 9 सीटों पर सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, ये आपने भी बताया है। लेकिन सिर्फ फुटबॉल जो चल रहा है वो किस लेवल पर चल रहा है। कल्याण की सीट देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हाँ वहां से श्रीकांत शिंदे लड़ेंगे, लेकिन श्रीकांत शिंदे खुद कहते हैं कि मेरा सीट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, मुझे मुख्यमंत्री ने खुद ऑफिशियली कहा नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको याद होगा गणपत गायकवाड़ एक विधायक थे बीजेपी के, जिन्होंने गोली कांड किया था, गोली चलाई थी शिंदे सेना के कार्यकर्ता पे। वहां पर जबरदस्त इनके अंदर लड़ाई चल रही है और दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, इसलिए ये सिर्फ फुटबॉल कल्याण का चल रहा है। नासिक के अंदर क्या सिर्फ फुटबॉल है? छगन भुजबल वर्सेस हेमंत गोडसे, हेमंत गोडसे इनके सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है, उसकी टिकट भारतीय जनता पार्टी काटना चाहती है। साउथ मुंबई में ये तय नहीं कर पा रहे, नॉर्थ वेस्ट मुंबई में ये तय नहीं कर पा रहे, थाने में ये तय नहीं कर पा रहे। आप कहां तय कर पा रहे हैं? उत्तर मुंबई लोकसभा सीट पीयूष गोयल कह रहे हैं कांग्रेस को सीट मिली और उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं, पीयूष गोयल ये बात कह रहे हैं। मैं उसका उत्तर भी दूंगा, पहले मैं अपना खत्म कर लूं 30 सेकंड के अंदर। ये जो रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की बात मैंने कही, राणे वर्सेस किरण सामंत वहां पर चल रहा है, संभाजी नगर ये तय नहीं कर पा रहे, धराशिव में अर्चना पाटिल को टिकट दी है लेकिन वहीं पर बीजेपी के एक्स एमएलए ने इंडिपेंडेंट फॉर्म भर दिया है, अमरावती में नवनीत राणा वर्सेज अभिजीत अड़सुल चल रहा है, बुल्डाना में शिंदे सेना वर्सेज शिंदे सेना, प्रताप यादव वर्सेज संजय गायकवाड़, माड़ा में बीजेपी के सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है रंजीत निंबलकर, उनकी जगह पे सिर्फ फुटबॉल चल रहा विजय सिंह मोहिते पाटिल से। तो ये जो इतनी सारी जद्दोजहद चल रही है ये क्लियर कट बताता है कि इनमें आपस में ही सहमति नहीं है। हाँ अब मैं आपकी बात का उत्तर दे दूं। हाँ देखिए, उत्तर मुंबई ऐसी सीट है जहां से हम पहले भी 2 बार जीते हैं और ऐसे कोई नहीं कह सकता कि वो बहुत कमजोर सीट है। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के अगर हक में वो सीट आई है तो वहां पर मजबूत उम्मीदवार दिया जाएगा, वहां पर हमारा संगठन मजबूत है, वहां पर जिला अध्यक्ष से लेकर सारे ब्लॉक अध्यक्ष तैनात है, हमारा संगठन का नेटवर्क वहां पर है, तो संगठन का नेटवर्क है, हम उस सीट को भी जीतेंगे। अगर हम राम नाइक को हरा सकते हैं, अगर हम और इनके बड़े नेताओं को हरा सकते हैं, तो ये सीट हम जीत सकते हैं, उत्तर मुंबई की सीट। हम क्यों ये कहें कि भाई वो सीट में हम कमजोर हैं? भाई जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।